हेलो फ्रेंड्स, टाइम आज तो बहुत ज़्यादा हुआ, 1 बज गए और मैं आज अभी तक नहा ही नहीं हूँ। तो टाइम इसलिए आज ज़्यादा हुआ क्योंकि सुबह कुछ एडिटिंग वगैरह मोबाइल में लगी रह गई, और पता ही अगर मोबाइल में लग जाए कुछ ना कुछ, मैं भी यूट्यूब में सीखती रहती हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया। और पता चला कि आज मेड नहीं आने वाली है, उसके घर से मैसेज आ गया कि आज वो नहीं आएगी, तो फिर मैं लग गई बर्तन साफ़ करने में। वो आप किचन में देख रहे होंगे, ये कुकर में मैंने आलू बॉईल किए, तो मैं बताऊंगी मैं क्या बना रही हूँ आलू से। ड्राइंग रूम में ये दो डलिया देख रहे, इसमें गेहूं रखा हुआ है, तो 3-4 दिन से गेहूं धुला हमारा रखा है, तो इसको मैं आज साफ करूंगी। साफ मीन्स बस थोड़ा सा चेक करना, वैसे कुछ नहीं रहता है इसमें। आज कहाँ से इंटरेस्ट आया तुमको कि आज हम किचन में कुछ बनाएं? हो गया चलो डाल दूँ। हाँ, आज ये थोड़ा सा डिफरेंट बना रही है मैगी, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आज ये ऑयल में बना रही है मैगी, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल करके। और क्या डालोगी इसमें चीज? अभी नहीं, जब बन जाएगी तब। अच्छा, पीछे देख रहे हैं आप, ये नैपकिन पेपर अंदर से लगा हुआ है और ऊपर धनिया पत्ती का जो डंठल है वो कट करके ऐसे रख देते हैं फ्रिज में, तो काफी दिन तक बिल्कुल ताजी बनी रहती है। और हरी मिर्च भी इसी तरह, में हरी मिर्च को भी उसका डंठल काट के ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ, तो ये भी खराब नहीं होती है। ओजस्विनी मेला से मैं एक ये कटर लेके आई थी सब्जी काटने का, मुझे बहुत अच्छा लगा था, आज ही मैंने इसको निकाला है, अभी इसको वॉश किया है। ये इसमें एक पीछे लॉक लगा हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसे रखा नहीं रहा किसी के हाथ में, नहीं तो लग जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छा लॉक दिया है, इसको लॉक को ऐसे खोला और तो ये अपने आप खुल जाता है, नहीं तो ऐसे कहीं भी पड़ा रहेगा तो ये हाथ में किसी के भी लग सकता है। मैंने मिर्ची को धो लिया है, ये मिर्ची लिया और ये हाथ में आपके क्या मिर्ची नहीं लगेगी इससे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। धनिया पत्ती भी बहुत अच्छे से कट रही है, अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा आसानी धीरे धीरे काट रही हूँ। उधर ओजस्विनी में तो वो लोग इतने फास्ट कटिंग कर रहे थे, तो अभी क्या हाथ बैठा नहीं ना इसमें, इसलिए ये देखिए धनिया पत्ती भी कट गई, धनिया पत्ती भी अच्छी कट गई, हरी मिर्ची भी कट गई। मैंने आलू को बॉयल करके ऐसे मैश कर लिया है मैशर से, अब इसको फ्राई करेंगे। हरी मिर्च, इसको हरी मिर्च से फ्राई करेंगे, थोड़े से मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे और धनिया पत्ती डालेंगे, तो चलिए आप प्रोसेस देखते जाए। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इसको गर्म हो जाने देंगे, इसमें हरी मिर्च डालेंगे, राई डालेंगे, हरी मिर्च और राई ले जाएंगे, फिर गरम मसाला हल्दी धनिया मिला करके डाल देंगे और जल्दी से इसमें आलू डाल देंगे। जल्दी भी नहीं डालना, थोड़ा जल्दी जल्दी डालना है, इसमें नमक डाल देंगे, तेज कर देंगे गैस को। आलू को बहुत अच्छे से तेज आंच में ही कंटिन्यूअस चलाते रहना है, जिससे वो बहुत अच्छे से भुनेगा। आलू हमारा भुन गए, अब हम गैस बंद कर देंगे। मैंने आलू इसमें निकाल के रख दिया है, अब ये जब ठंडा हो जाएगा तब मैं बताऊंगी कि मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ। जो अभी आलू की सब्जी बनाई थी वो ठंडी हो गई है, मैं एक अलग तरह का सैंडविच बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं ये सैंडविच वाला ब्रेड ले रही हूँ, ऐसे 2 ब्रेड ले लेती हूँ। भुजिया सेव है, हल्दीराम का ये भुजिया सेव ले रही हूँ, इसको ऐसे क्रस करके तोड़ लेंगे और नहीं निकल लेंगे। टमाटो केचप लेंगे, मैगी का मैंने टमाटो केचप लिया है ब्रेड में, पहले चारों तरफ आलू लगाऊंगे अच्छे से हाथ और चम्मच की हेल्प से। चारों तरफ से अच्छे से फिलिंग कर लेनी है, अब
अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितना आलू लगाना है, लेकिन अच्छे से लगाइए तो अच्छा सैंडविच बनेगा। मैं दो तरह का सैंडविच बताऊंगी आपको। देखिए ये पूरी फिलिंग कर ली आलू की, अब इसमें केचप लगाएंगे ऊपर से। केचप लगा लिए, अब इसमें नमकीन लगाएंगे। ये नमकीन तो इसकी आता है, बस इसको चारों तरफ से ऐसे फैला देंगे जिससे अच्छे से चिपक जाए। इसके ऊपर से ऐसे लगा देंगे, इसको लगा देंगे घी ले करके इसके ऊपर ऐसे लगा देते चारों तरफ भी, जिससे चिपके नहीं। और जिस तरफ हमने अभी घी लगाया है उसी तरफ इसको से पलट दिए, सब ऊपर से घी लगा देंगे। ये इतना ऐसे सिक गया ही, इसको थोड़ा धीमी आंच में सेकेंगे तो क्रिस्पी बनेगा। सैंडविच रेडी हो गए, इसको है नैपकिन पेपर में रख। दूसरी फिलिंग का सैंडविच बता रही हूँ, क्योंकि पिज्जा चीज है। चीज को पहले किस लेते हैं, दो ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उसी तरह फिलिंग करेंगे पहले आलू की। आलू की अच्छे से फिलिंग कर देंगे। फिलिंग के बाद हम इसमें टमाटो सॉस लगाएंगे, फिर इसके बाद ये नमकीन लगाएंगे जो हमने क्रश किया था नमकीन, वो नमकीन लगाएंगे। अभी किसा था चीज, उस चीज को ऊपर से लगा देंगे। ये चीज वाला सैंडविच बच्चों को बहुत पसंद आता है। फिर इसके ऊपर ये ब्रेड लगा देंगे, ब्रेड के ऊपर घी लगा देंगे। जिस तरफ घी लगाया था उस तरफ हमने इसको रख दिया, और यहाँ ऊपर भी ऐसे घी लगा दिया, दोनों साइड घी लगा दिया। इसको आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे, और स्लो आंच में ही बिल्कुल धीमी आंच में ही इसको सेकेंगे। ये हम बीच से इसको ऐसे कट कर लेंगे। सैंडविचेस रेडी हो गए हैं, आलू चीज सैंडविच एंड आलू सेव सैंडविच। ये देखिए ये ऐसे बने हैं। आप लोग घर पे जरूर बनाइएगा ये रेसिपी, आप लोग ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर के जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि ये आपको आपने घर पे बनाया तो कैसा इसका टेस्ट लगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने जो रेसिपी बताई वो आप लोगों को कुछ काम आई।